अकाउंट के बारे में, क्या अकाउंट, हाँ अकाउंट के बारे में, अकाउंट का कितना भेद हो गया मेलिनो से, कौन भेद हो गया है, तीन भेद, इसमें क्या होगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हम लोग किसको कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी संस्था का नाम हो गया, किसी निगम का नाम हुआ, किसी लिमिटेड कंपनी का क्या हुआ नाम हुआ, ये सब कौन अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपका रियल अकाउंट क्या होगा, जैसे वस्तु है, माल है, चीज है, खरीदी गई वस्तु है, बेची गई वस्तु है, वस्तु वापसी है, ब्रोकर है, कोई भी संपत्ति रहेगा उस संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं रियल अकाउंट। ये आपको जानने के लिए छोटा सा ट्रिक है कि हम पहचान जाएंगे कि कौन क्या आपका है रियल अकाउंट है, कौन क्या है पर्सनल अकाउंट है। चलिए उसके बाद हम लोग नॉमिनल अकाउंट पर चलते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट आपका नामपत्र खाता होता है, इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे आपका छूट है, छूट दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। जब हम छूट देते हैं तो हानि होती है, जब हम लेते हैं तो क्या होता है लाभ होता है। तो क्या होता है लाभ हानि, क्या बोल होता है लाभ हानि का बोल होता है, इसीलिए आज छूट आपको क्या हो गया नॉमिनल अकाउंट हो गया। उसी प्रकार से ये कमीशन में कमीशन देते भी हैं और कमीशन क्या करते हैं लेते भी हैं। जब कमीशन देते हैं तो क्या होती है हानि होती है, जब कमीशन लेते हैं तो क्या होता है लाभ होता है, इसीलिए लाभ हानि का बोध हुआ, इसीलिए आपको कमीशन कौन अकाउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट हो गया। आइए हम लोग चाहते हैं वेतन, उसी प्रकार से वेतन भी है, वेतन देते भी हैं और वेतन क्या करते हैं लेते भी हैं। जब हम वेतन देते हैं तो क्या होता है हानि होती है, और जब वेतन हम लेते हैं तो क्या होता है लाभ होता है। लाभ हानि का बोध कराया ना, जब लाभ हानि का बोध करवाया तो यही होगा आपको क्या होगा नॉमिनल अकाउंट। हम जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का परिभाषा से क्या परिभाषा होता है कि जो अकाउंट या जो खाता लाभ हानि और आय व्यय के नाम से संबंधित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं नाममात्र खाता कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। आइए तो ये सब देख लिए, जैसे आपका बैड डेट्स है, क्या है बैड डेट्स है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अप्राप्य ऋण, निकृष्ट ऋण, डूबा ऋण, जो धन डूब जाता है और भविष्य में मिलने की संभावना नहीं रहती है उसी का नाम है बैड डेट्स। उसका नाम क्या है बैड डेट्स, इसका क्या नाम है इसका बैड डेट्स है, जो आपको प्योर हानि हो जाती है, प्योर लॉस हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, क्या कहते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद हम लोग चाहते हैं रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम, पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो। ये हो गया आपको क्या जी रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या हुआ नियम हो गया। आइए हम लोग दूसरा में चलते हैं, रूल ऑफ क्या रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्या है रूल ऑफ रियल आर ई ए रियल अकाउंट, समझ आ रहा है रूल ऑफ क्या है रियल अकाउंट। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, DEBIT, डेबिट व्हाट कम्स इन, COMES कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, एंड कहते हैं क्रेडिट CREDIT, क्रेडिट व्हाट लेते हैं गोज आउट, क्या लेते हैं GOES गोज, OUT गोज आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको क्या आतिहो को नाम करो, क्या है यह आतिहो को नाम करो, क्या करो नाम करो, आतिहो को नाम करो और जातियों को जमा करो, और जातियों को क्या करना है जमा करो, आतिहो को नाम करो और जातियों को जमा करो। एक आपका जो तीन ठो रूल है जो और बता रहे जा रहे हैं, एक तीन ठो रूल पर आपका पूरा कॉमर्स आपका बन जाएगा, पूरे तीन ठो रूल पर आपका जो है लेवल का जितना भी है सब आपका सवाल आपको क्या हो जाए बन जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल में, आपका क्या दिया है नेक्स्ट रूल आपका दिया है रूल ऑफ क्या है रूल RULE रूल ऑफ आपका होगा नॉमिनल अकाउंट NOMINAL नॉमिनल अकाउंट, समझ आ रही ना रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फिर रूल क्या है डेबिट ऑन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्या है डेबिट ऑन DEBIT डेबिट ऑन लॉसेज LOSES लॉसेज एंड एक्सपेंसेज
TMSES एंड क्रेडिट और क्या है CREDIT क्रेडिट और प्रॉफिट एंड गेन ROFIT प्रॉफिट एंड गेन GIN मतलब हो गया कि लाभ हानि को क्या लिखा है इसका क्या दिया है हमारे लॉस एंड एक्सपेंसेस क्या दिया इसका है हानि और व्यय को नाम करो हानि व्यय को नाम करो और लाभ व्यय को जमा करो क्या लिखेंगे हानि व्यय को क्या है हानि व्यय को नाम करो हानि व्यय को नाम करो ठीक है हानि व्यय को नाम करो और क्या दिया है लाभ आयो को जमा करो समझ आ गया आपको रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट और प्रॉफिट एंड गेन हानि व्यय को नाम करो और लाभ आयो को जमा करो यही तीन सौ रूल पर आपका ये सवाल समाप्त हो क्या हुआ बन जाएगा समझ आ रही बात को बन जाएगा।